अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग मनु। आज का नया वीडियो बेबी डायपर्स के ऊपर है। हमने ये दो टाइप के डायपर्स लिए हैं, एक तो है अपोलो हॉस्पिटल्स का और दूसरा मैमी पोको पैंट्स का। तो हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। मैंने ये दोनों डायपर्स यूज़ करने के बाद ये वीडियो बनाया है। मैंने बहुत सारे दूसरे ब्रांड के भी यूज़ किए हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। पहले इन दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये अपोलो ब्रांड का मैंने निकाला हुआ है। तो ये अपोलो ब्रांड का है, इस पे लिखा है सुपर सेवर पैक। ये 76 पैंट्स का आता है, एम साइज का है, 7 to 12 केजीज के बच्चे के लिए। ये अब्सॉर्प्शन 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे तक ये संभाल सकता है बच्चों की पी को, यानी कि सुसु कर दे तो उसको संभाल सकता है, ये कह रहा है। और ये अल्कोहल फ्री, नो परफ्यूम, इसमें कोई परफ्यूम नहीं है। ये एलर्जेनिक, हाइपो एलर्जेनिक यानी कि इससे कोई एलर्जी नहीं होगी। इजी टू वेयर क्योंकि ये पैंट्स है। और प्रिवेंट्स थाई गैप यानी कि साइड्स, थाई के साइड से कोई इससे लीक नहीं होगा। तो देखिए इसमें चार साइजेस आते हैं, एस, एम, एल और एक्सेल। इसमें डायरेक्शन भी है इसको कैसे पहनाएं और इसको कैसे निकालें। देखिए ये ऐसा पैक दिखता है। और दूसरा वाला है मैमी पोको पैंट्स। ये मेरे पास छोटा पैकेट है लेकिन इसका बड़ा वाला रैपर है जो ख़त्म हो गया था उसका है। तो ये इसकी पैकिंग ऐसी आती है। ये भी एम साइज़ का है और इसमें 84 पैंट्स आते हैं, उस वाले में 76 आते हैं। और ये 50% वाइड स्प्रेड यानी कि पीछे का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। ये भी अप टू 12 आवर्स अब्सॉर्प्शन देता है, प्रिवेंट्स थाई लीकेज, जो साइड से यहाँ से आ जाता है सुसु उसको नहीं आने देता। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट में दिखाती हूँ। ये है इसका अपोलो वाला और ये मैमी पोको पैंट्स का है। एक्चुअली ये साइज़ बड़ा है, डबल एक्सेल वाला है, मेरे पास यही था अभी। और ये एम वाला है। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये ठीक ठाक होता है अपोलो वाला और ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है रिलेटेड टू दिस। ये 1000 रुपीस का आता है, ये 1000 का है, 999 ये वाला। और ये उतना अब्सॉर्प्शन नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा लीक करने लगता है। और ये पीछे से, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रंट इसमें अगर कोई नए मॉम या नए डैड्स हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें सामने का कौन सा और पीछे का कौन सा है। और यहाँ पे सब जगह एरोज है, हाँ, फ्रंट इसमें पता नहीं चलता। और ये लीक करता है कि पीछे का जो हिस्सा होता है सुसु करने के बाद, ये नीचे वाला हिस्सा वो डाउन होके यहाँ पे खाली खाली जगह हो जाती है। तो दिस इज़ अ बिग नो। और ये कॉस्ट वर्दी भी नहीं है, ये वेस्ट, पैसे वेस्ट करना हो या अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप ये खरीदेंगे। एंड द बेस्ट इज ये वाला मैमी पोको पैंट्स, ये 12 घंटे जैसे वो बोलता है वैसे अब्सॉर्ब कर सकता है। ये विद इन 2 आवर्स से बहुत, 2 आवर्स के बाद तो ये बहुत तकलीफ देने लगता है। अगर आपने इसको जल्दी चेंज नहीं किया अपोलो वाले को, तो अगर आप बाहर जाने वाले हो और अगर आपने ये पैड्स ले लिए तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और अगर आप ये मैमी पोको पैंट्स वाले लोगे तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है और रात को भी बहुत अच्छा होता है, बिस्तर गीला होने का कोई ट्रबल नहीं होता। और तो और ये इसमें दोनों में भी ये वेस्ट सही है, अच्छा है ये वाला मैमी पोको पैंट्स वाला। और इसमें कोई भी यहाँ पे दूसरे पैड्स में ये साइड में चुभन होती है, इसमें कुछ नहीं होता।
और ये इस पैक के ऊपर आपको दिखेगा कि 1249 का है, लेकिन अगर आप इसको जैसे कि रिलायंस या फिर डी मार्ट में लोगे तो अराउंड 600 और 650-700 के आसपास पड़ जाएगा और ये 1000 rupees होगा। तो ये कंपेयर टू मनी बजट और इसका यूसेज के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट है ये वाले मैमी पोको पैंट्स। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, न्यू बॉर्न हैं, तो भी इनके हर एक साइज़ में मिल जाएंगे। न्यू बॉर्न से लेके डबल एक्सेल तक मिल जाएंगे इजीली। न्यू बॉर्न्स में यहाँ पे इनको यहाँ पे यू कटिंग आती है, ताकि जो नाभि जो होती है उसकी वजह से यहाँ पे उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो और दूसरों में कोई नहीं आती। एंड सबसे बेस्ट बोलूँ तो मैमी पोको पैंट्स ही है। इसके बाद अगर आप चाहो तो बेबी हग वाले ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो वेस्ट वाले यहाँ पे जो साइड्स होती है ये उसमें यहाँ पे ये जो स्टिच है वो चुभने लगती है बच्चों को, वरना वो भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो है अपोलो वाले बहुत बेकार टाइप के हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। और जैसे कि बहुत सारे लोग पैम्पर्स यूज़ करते हैं, हिमालया वाले यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं, बट वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें परफ्यूम्स डाले जाते हैं और केमिकल्स डाले जाते हैं, क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि कलर चेंज होता है। क्यों, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एसिड या ऐसा कुछ केमिकल्स डालते हैं जो शिशु को उसमें एंटर करने के बाद वो कलर चेंज करेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ है। देखिए अंदर भी इसमें कॉटन ही है, कॉटन वाला है, ऊपर वाली लाइनिंग आके इसके अंदर कॉटन होता है। ये शिशु आने के बाद ये भी जेल में बदल जाता है, लेकिन आपके कपड़ों को, बेबी के कपड़ों को कुछ भी नहीं होता। और एक बात मैं आपको टिप देना चाहूँगी, प्लीज़ 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 डोंट यूज़ एनी रैश क्रीम, क्योंकि रैश क्रीम से ही ज़्यादा रैशेस होती हैं। मैं दो बच्चों की माँ हूँ और मेरे पास पूरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि रैश क्रीम लगाने से जितने रैशेस होते हैं, उससे बेटर है कि आप अपने बेबी को गुनगुने पानी से एक बार जब आप डायपर चेंज करते हो तो गुनगुने पानी से आप बच्चों की जो पार्ट होती है उसको आप वाइप कर दें, या फिर थोड़े बड़े हो तो धुला के टॉवल से पोंछ के बिना कोई पाउडर या बिना कोई क्रीम लगाए बिना ही इसको पहनाएं, तो आपके बेबी की स्किन भी अच्छी होगी और इससे कोई भी रैशेस वगैरह नहीं होंगे। प्लीज़ 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 लॉजिक ट्राई कीजिए और प्लीज़ अपने बच्चों को ना पाउडर डालें वहाँ उस पार्ट पे और ना कोई क्रीम लगाएं। बिकॉज आप ही सोचिए, अगर आप पाउडर डालेंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाएगी और एक को एक वो रब करते हुए वो ऐसे रैशेस या उसकी स्किन उधड़ जाएगी। सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, आप चाहे जो जितने साल के भी बच्चे हो, प्लीज़ मैमी पोको पैंट्स ही ख़रीदें, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके बच्चों की स्किन भी अच्छी रहेगी और फ्रीक्वेंटली बदलाने का भी कोई लोड नहीं होगा। और ये 84 पैंट्स वाले होते हैं, दूसरे सारे कम आते हैं, मैंने ममा वर्क के भी देखे थे, लेकिन वो बजट फ्रेंडली नहीं है, उसमें क्वांटिटी भी कम है और वो भी रेट भी ज़्यादा है। और किफ़ायती में और सब में यही मैमी पोको पैंट्स ही बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, एम एल, ये मेरे पास डबल एक्सेल वाला लास्ट है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है वो लास्ट अराउंड 5 years तक भी शिशु करती थी, सो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो जान सकते हो कि बड़े बच्चे तो ज़्यादा पी करते हैं छोटे बच्चों से, तो दिस इज़ बेटर दूसरों से। सो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो इस तरह के मार्केट में जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट ना करें और अपने पैसे भी बचाएं और अपने बच्चों की स्किन को भी और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल #मन्नू को, और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।